नमस्कार, अर्गस अपडेट को स्वागत कर मुंडलीमा। प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। 26 मध्याह्न लैंडफॉल, पानीपाग केन्द्र सूचना। संध्या बेले नुहे, मध्याह्न लैंडफॉल करिबो। यस, बात्या मुकाबला नहीं गृहमंत्री अमित शाह का समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री, मुख्य शासन सचिव, एसआरसी और अन्य अधिकारियों का आलोचना। सेपटे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे गुरुत्वपूर्ण बैठक। बात्या प्रस्तुति और मुकाबला नहीं वरिष्ठ अधिकारी को जिला दायित्व। केन्द्रापड़ा पर हेमंत शर्मा, जगतसिंहपुर पर शाश्वत मिश्र, भद्रक दायित्व रहेंगे भिवी यादव, बालेश्वर पर विशाल देव और सुरेश वशिष्ठ को मयूरभंज दायित्व। 10 जिले में 2 दिन लॉकडाउन कटकणा सामान्य कोहल। आज और आसंता काली सकाल 7 दिन गोटाए जाए खोला रहिबो अत्यावश्यक सामग्री दुकान। बात्या पई निर्देश देले एसआरसी। बात्या मुकाबला पई एनडीआरएफ, ओड्राफ, अग्निशम बाहिनी प्रस्तुत। ओडिशा पई एनडीआरएफ रो बाउंटी टीम मुतयन। जन भागीदारी रे बात्या को सामना करबा पई प्रस्तुत हेउछन्ति लोके। एवं राज्य में गोटे दिन में सर्वाधिक कोरोना जनित मृत्यु। महामारी नेला आउ 32 जीवन। 10,000 उपरे दैनिक ट्रेन रे लागुनी ब्रेक। 24 घंटा रे राज्य में आउ 11,069 पॉजिटिव चिन्हट। बात्यार रूप नेला यस। आज सकाळ 5:30 रे बात्यार रूप नेछि यस। आसंता 12 घंटा रे सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रो रूप नेबो। परवर्ती 24 घंटा रे भेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हेबो बोली सूचना देछि पाणीपाग केन्द्र। गत 6 घंटा हेबो घंटा प्रति 2 किलोमीटर बेगरे गति करछि बात्या। वर्तमान बात्या दक्षिण दक्षिण पूर्व पारादीप ठारु 530 किलोमीटर दूर रहिछि। दक्षिण दक्षिण पूर्व बालेश्वर ठारु 630, दक्षिण दक्षिण पूर्व दीघा ठारु 620 किलोमीटर दूर रहिछि। 26 तारीख मध्याह्न बात्या पारादीप और सागर द्वीप मध्य लैंडफॉल करिपारे। लैंडफॉल बेलू पवन बेग 155-165 किलोमीटर रहा वृद्धि पाई 185 किलोमीटर होपे। भद्रक, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होब। से 26 तारीख में बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज, जगतसिंहपुर, कटक, जाजपुर, केन्दुझर जिले में प्रबल वर्षा होने पूर्वानुमान करणिपाग केन्द्र। सेपटे बात्यार मुकाबला एनडीआरएफ, ओड्राफ और अग्निशम बाहिनी प्रस्तुत हो रही। आधुनिक जंत्रपाति सहित प्रभावित जिला को अद्यावधि 22 एनडीआरएफ टीम पठा जाइथिबा जणा पड़छि। ए संपर्क रे अधिक सूचना पाई रहिछन्ति बालेश्वर एम प्रतिनिधि प्रकाश महांती। प्रकाश, बालेश्वर अपडेट कौन? कारण देखंतु यस, धीरे धीरे तार प्रभाव देखेबा स्टार्ट कर सालाणी। धामरा रे वर्षा हालाणी। अन्यपटे जदि किछ समय पूर्वरु आमे जाइथिलु जळेश्वर सोर, से अंचल मते पागरे भी परिवर्तन देखा देलाणी। अर्थात सकाळे जो पाग थिला वर्तमान ता चेंज होबार लागिछि धीरे धीरे। त बालेश्वर रे केमिति वर्तमान वेदर रहिछि एवं केमिति कंडीशन रहिछि यस कुने स्मृति स्मृति लग्ना देखते ये हूँ से चित्र जो बात्या पूर्व जो भाई हवा कथा ये मिलवा देखते ये हूँ से चित्र बात्यार प्रभाव बर्तमान गोटे प्रकार पड़ा बालेश्वर आप देखते पवन सह धीरे धीरे वर्षा आरंभ है एवं पवन बेग किसी समय पूर्व जहाँ थी बर्तमान धीरे धीरे वृद्धि पाँची जो कथा कहते बात्या को मुकबिला करने बर्तमान आईन श्रृंखला एडीजी जशवंत जेठवा निजे आ सहित विशाल देव मध्य बालेश्वर जिला दायित्व अच्छा बालेश्वर जिले में बर्तमान 12 गोटी ओड्राफ टीम पूरा संपूर्ण सजग अच्छी जहाँ अत्याधुनिक जो जंत्रपाति अच्छी सेगुड़क नहीं पूरा स्थित अच्छा 15 प्लाटून पुलिस फोर्स बर्तमान पूरा मुतयन कर पाखापाखि 140 टी बात्या आश्रयस्थल जो रही सेगुड़ी संपूर्ण भाव पूरा सजग प्रस्तुत कर प्रकाश, बर्तमान वर्षा आरंभ हो गलाणी कि विजुअल रे जा देखिया को पाउछ में पवन तो होउची किंतु वर्षा आरंभ हो गलाणी केबे निश्चित नीलिमा बर्तमान सामान्य धीरे धीरे बर्तमान वर्षा आरंभ हो वर्षा बर्तमान धीरे धीरे बढ़ो बोली जहाँ आशा करतमान वर्षा जुगु जो जो लोक मैंने बजार कौन अत्यावश्यक सामग्री किनवाई आसते आप देखुंत ये हूँ से चित्र जो वर्षा हवा सत्वे भी जो मैंने बजार थे जेहेतु हठात वर्षा आरंभ है तो लोक मान भर गोटे हईच सृष्टि टी भयभीत थी भाई लगुच्च कहे चालीचलन जापारे जेहेतु वर्षा होती लोक मैंने किभली भाव तुरंत निजे निज घर को फेरवे से व्यस्त अच्छा नीलिमा मुझे कहना चाहिए बर्तमान जो
जो वर्षार बेग थिला वर्तमान ता धीरे धीरे वृद्धि पाउछि ता संग पवन मध्ये रहउछि एवं आकाश संपूर्ण कला बा अंधकार मध्ये होय जाइछि जो कथा मु सूचना दउथिलि जे कि जो बालेश्वर जिला पर प्रस्तुति पाए पाखापाखि 140 टी बात्या आश्रय स्थली 1200 जो अस्थायी रूपे जो बात्या आश्रय ता तैयारी होइछि एवं जो जिलार समस्त वरिष्ठ अधिकारी मानक पूरा कड़ाकड़ी भाव निर्देश देखते जे कौन लोक जमी जीरो काजुअल कथा भाविकी कौन लोक जमी तलिया अंचल गोटे भी न रही जाती से सब जो तलिया अंचल रही है से अंचल डाकवाजी जंत्र साहय सब लोक सतर्क कि आपण मैंने बात्या आश्रय स्थल पाखर अच्छी पलि कि जो पाखर थी जो कोठाघर पक्का घर से सबू अंचल को पलि आसतु निजर चाल छपर घर जो आजबेस्टस घर एगुड़िक रुहतु ना तास कौन से लोक भाविकी गूल रही से रुहतु ना तो पुलिस प्रशासन को पूर्ण संपूर्ण सहयोग सह जिला प्रशासन को समस्त सहयोग करने जिलापा एसपी एवं डीआईजी पूर्वांचल डीआईजी एडीजी जशवंत जेठुआ यह सब कड़ा मान निर्देश मैंने देतीस बालेश्वरवासी को नवेदन करीमा देखु ये बर्षार जिते कहु बालेश्वर जिलार सब अधिक ईएस प्रभाव पड़ो से आम यदि कह भोगरा रही प्रतिनिधि संतोष जेना रही आम तो देखिले बालेश्वर केमी पाग सकाले थिला धीरे 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 करी देखु पवन पवन सहित झिपझिप वर्षा भी आरंभ हो किंतु धामरा रे वर्षा आरंभ हो रही आम प्रतिनिधि संतोष रही संतोष कि समय पूर्व आप देखते कि भाव में समुद्र धीरे धीरे अशांत हो जुआर भी कौ मात्र माड़ी आसला बर्तमान जो स्थल भाग रही मानने तलिया अंचल को धीरे धीरे आसूसी तो बर्तमान आप जगार अच्छा से आप देखुं स्थित को विस्तार में नीलिमा आम धामरा बंदर ठू मात्र 2-3 किलोमीटर दूर समुद्रकूल अंचल अच्छु जो कथा आपण कहते जे सकाळु बात्या तार प्रभाव किछिटा देखेछि जो वर्तमान आरंभ रु बात्या न पहुँचबारु बात्या संपर्कित कौनसी निर्दिष्ट खबर न पहुँचबारु स्थानीय लोके पूरा घर फांका कर देछन्। आम आपको सीधा सड़क चित्र आपको देखा चाहूँ ये जो कच्चा घर कुड़िया घर आजबेस्टस घर देखुं आपत बर्तमान ये सब पूरा फांका हो जाए अर्थात एठू लोक जा बर्तमान रेडक्रस आश्रय नहीं आश्रय नहीं पूरा सका कि माहौल एमती जितेबाला सूचना आसूला जे बात्या बर्तमान घूर्णिझड़ रूप नहीं 5 किलोमीटर बेगर धीरे धीरे आगक गति करुँ पारादीप सगरदीप भितर के लैंडफल करें जेहेतु निर्दिष्ट स्थान से पाणीपा विभाग आईडेंटिफाय करपर्यंत किंतु या पूर्वर बर्तमान स्थानीय बासिंदा कि भाव में सचेतन सतर्कता अच्छी आपत देखु ये हूँ से ही अंचल जो ये गोटे जो चांदनीपुर गाँ अच्छी जो लोक मैंने प्रत्येक घर लोक मैंने मछमारी से जीविका निर्वाह करती विशेष भाव में आम एटी गत काल दृश्य देखुलू एटी पूरा एरिया पूरा चलचंचल था कि आज दृश्य पूरा देखु समस्ते बोट गुड़ी ऊपरक टेकी समस्ते बर्तमान सुधा पूरा फांका हो जाए गाँ एवं समस्ते रेडक्रस को पल समुद्र कूलवर्ती अंचल पूरा फांका फांका अच्छी अर्थात आप देखुए जे जो पानी उच्चता काली जी थी आज तार कि भाव में परिवर्तन घटुची एवं धीरे धीरे जनबसती मुहा होची ये समुद्र पानी एवं समुद्र कि भाव में अशांत रही आपण देखुं सका लगातार भाव में समुद्र चित्र देखु किंतु एवं समुद्र चित्र किसी निरा जेहेतु किसी समय पूर्व प्रबल अति प्रबल वर्षा होता एवं आकाश पूरा मेघाच्छन्न था पागरे कौन प्रकार परिवर्तन हो नाला किंतु एवं देखा पागरे सामान्यतम परिवर्तन हो पवन रेग धीरे धीरे बढ़ुची पखापाखि जितेबाला वर्षा होता 50-60 किलोमीटर बेगरे हुए तो जितेबाला झटका लगुला से पवन बहुला किंतु एवं पवन रेग कमी गोटे जो बात्या परवर्ती बात्यार पूर्व चित्र जहाँ देखा मिले जो भाव में पागर माहौल थाए से भाव में पागर माहौल देखा मिलूँ किंतु प्रत्येक साधारण जनता और साधारण बासिंदा जो मैंने बात्या को अति निकटतर देखी धामरा पखापाखि 5-6 पंचायत अच्छी जोटी करजमाल पंचायत अच्छी चांदनीमाल पंचायत अच्छी अन्यान्य पंचायत अच्छी एठिकार बासिंदा विशेष भाव में बात्यार प्रभावित हमें से माने प्रत्येक वर्ष बात्यार झलक देखते किंतु एथर बात्यार झलक देखा पूर्व से माने निजे निजर व्यवस्था करे तो प्रशासनिक व्यवस्था आठ आसी पहुँचुची माइक जगे प्रचार प्रसार हो समुद्र में गोटे गोटे अंचल धामरा बंदर पाखापाखि जो अंचल
ସେଠି କେତୋଟି ପ୍ରାୟ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ମାଛ ମାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ମାନେ ଚଳେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଜେଟି ହେଉ ବା ବୋଟ୍ ହେଉ କୂଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଇଠୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ଏମାନେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଛି ସେ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାକଣି କୂଳେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି ନା ସେମାନେ ନିଜେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କୁହାଯାଉଛି ନୀଳିମା ଏଥର ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର କିଏ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସାଧାରଣତଃ 500-1500 ଲୋକ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକେ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଗୋଟିଏ ପଟିଏ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରୁ କରୁ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ରୋଗ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବେ ଏକଥା କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ କାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ହୁଏତ ସେ ଗାଁ ଫାଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି କେହି ନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ ଜାଗା ଅଲରେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନୀଳିମା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ କାନ୍ଥ ଚାଟିମାଟିର କାନ୍ଥ ହୋଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପରେ ଚାଳ ଘର ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯଦି ପବନର ବେଗ ପାଖାପାଖି 185-90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ କଚ୍ଚା ଘର ସବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଝଲକ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ବାତ୍ୟା ଏସ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ କି ଏଥର ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ବି 2-2 ଜିନିଷ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ମହାମାରୀ କରୋନା ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ୟେସ୍ ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଧାମରା ଦୃଶ୍ୟ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା କି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଲାଣି ଏବଂ ୟେସ୍ର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଉଭୟ ଧାମରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ଗୋଟେ ପଟେ କି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ରହିଥିଲେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବି ପ୍ରକାଶ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅପଡେଟ୍ ନେବି ପୁଣି ବ୍ରେକ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ପ୍ରକାଶ ତ ଖାଲି ଟିକେ ଏତିକି ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଖାସ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ବାଲିଆପାଳ ଭୋଗରାଇ ତା ସହିତ ସଦର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସାର୍ଥା ହେଉଛୁ ଚକସାର୍ଥା ହେଉ ବା କଷାଫଳ ମୁହାଣ ହେଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧନପୁର ସୀମା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା 26,000-22,000 ଏସବୁ ଯେଉଁ 11,000 ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି ତା ଛଡ଼ା ଗୋପାଳପୁର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତି ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ପୁରା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସୂଚନା ନେବି ବାତ୍ୟା ୟେସ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏସ୍ଆର୍ସି ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି 5 ଜଣ ସିନିୟର ଅଫିସର ସେକ୍ରେଟେରୀ ରାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କୁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରିଲିଫ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଏବଂ ରେସ୍ପନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 22 ଗୋଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ NDRF ଟିମ୍ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ 175ଟି ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଟିମ୍କୁ ମୁତୟନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ 30ଟି NDRF ଟିମ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଆମ ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ 30ଗୋଟି ଅତିରିକ୍ତ NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ସୋ ଟୋଟାଲ NDRF ଟିମ୍ ଆମର ହେବ 52 SDRF ବା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ହେବ 50ରୁ 60 ଏବଂ ଫାୟାର ଟିମ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପାଖାପାଖି 200 ମୃତୟନ କରିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ 35ଗୋଟି ଟ୍ରି କଟର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥର ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 165ଟି ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 313ଟି ସେଭଳି ଟିମ୍ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ କରାହୋଇଛି ଯେଉଁଠି JCB ପ୍ରୋକ୍ଲେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରକ୍ସ
कटर्स एवं आवश्यक श्रमिक इंजीनियर तत्वधान में रखाही जो मैंने जिला प्रशासन को आवश्यकता अनुसार साहय जोगे रास्ता क्लीयर करने गाटी सफा करने परवर्ती जो आम जदि दरकार पड़ो रिस्टोरेसन इलेक्ट्रिसीटी टेलिकम ए ड्रिंकिंग व्टर रिस्टोरेसन कार्य साहय करने आपण शुणुते एसआरसी प्रदीप जेना प्रतिक्रिया कि भाव में एनडीआरएफ टीम को मुतयन करस्तुत कर रखा और ये यस मुकबिला यथासंभव जिते प्रकार जो व्यवस्था करता सरकारी स्तर में करा से सूचना देखते ए संपर्क में अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती रही दिव्य सरकारी स्तर में प्रस्तुति को जोरदार कर जिलापा आलर्ट कर एनडीआरएफ टीम अतिरिक्त जब देखा मुतयन भी कर मोटामोटी जब देखा 52 टीम एनडीआरएफ रो को मुतयन कर एसआरसी सूचना देखते तो अधिक अपडेट कौन देखते एसआरसी कि यस रो मुकाबला करने जेहेतु ओडिशा रे ही यार प्रभाव अधिक देखा मिले तेणु ओडिशा सरकार ए दिगरे प्रस्तुति को आहुरी किभली भाव में जोरदार कर देखो निश्चित भाव में जहाँ वर्तमान एसआरसी अपडेट देखते स्पष्ट जो ओडिशा रे स्थिति अर्थात बात्यार प्रभाव बहुत जोर रोपाई प्रस्तुति को जोरदार कराऊँगी आप देखते विभिन्न आईपीएस हूँ विभिन्न आईएएस अधिकारी हूँ समस्त को जिला दायित्व सरकार बांटि सारे से जिले में पहुँची से बैठक आरंभ कर रणनीति प्रस्तुत कर सहित सब बड़ कथा हूँ जो फोर्स अर्थात पुनरुद्धार कार्य जो मैंने लगे जो मानक नियोजित होकर पावर को आहरी बढ़ा जाऊँच जमीक आपड़ कहते जे वर्तमान 22 कोटी एनडीआरएफ टीम नियोजित अच्छा बर्तमान स्थानातरण प्रक्रिय कार्य करु आहरी 30 कोटी टीम आज संध्या सुधा आँचे समस्त को लगे समस्ते ये पुनरुद्धार और स्थानातरण प्रक्रिया बात्या पूर्व स्थानातरण करेंगे बात्या पुनरुद्धार किभ जल्दी किभर शीघ्र हो दिग्वर से कार्य करेंगे सहित आप देखिए सब विभाग निज निज स्तर में टीम गठन करीम प्रक्रिय काम करेंगे जिते शीघ्र पुनरुद्धार कार्य शेष हेतर समस्त गुरुत्व देते सबुठ बड़ कथा हूँ आसंता का दिन दुईटू तीन टा भितर समस्त स्थानातरण प्रक्रिया शेष करने सरकार नवेदन कर समस्त जिलापा कहु सबू साधारण लोक नवेदन कराऊँ से आसंता का दिन दुईटू तीन टा मध्य आश्रयस्थल को चली आसतु जो मैंने रोच्च कच्चा घर रोच्च जो मैंने समुद्र कूलवर्ती अंचल रोचान सरकार नवेदन करसंता का दिन दुईटू तीन टा मध्य आश्रयस्थल को चली आसतु जहाद्वारा कि टेस्टिंग करक दिजर कि सामाजिक दूरतार रही पारे से दिग्वे बंदोबस्त करा सहित जेहतु कहुच्छे आसंता का प्रभाव धीरे धीरे आरंभ हो समस्त कहुच्छे पलाई आसतु सबुठ बड़ कथ हूँ यह समय तीन रु 4 मीटर पर्यंत जुआर उठब ताक दृष्टि रखिए स्थानांतर प्रक्रिया को आहरी जोरदार कराऊँ आउ गोटे कथ लक्ष्य करूँ जे प्रशासन पूरा तत्पर देखाऊँगी जे विशेषकर बालेश्वर भद्रक ये दुईट जिला पर अधिक फोकस दिया कारण जहाँ आकलन रही बालेश्वर भद्रक अधिक क्षयति हे से अधिक टीम को मुतयन कराऊँगी एनडीआरएफ हो ओड्राफ हो कि अग्निशम विभाग जो मैंने रही कर्मचारी से अधिक संख्यार पठा जा समस्त लक्ष्य रोचे बालेश्वर भद्रक कि कौन लोकर क्षयति न हो जेहेतु से बात्या अधिक क्षयति रचाइब से दिग्क गुरुत्व दिखाई कि जीरो काजुआलिटी और आज तो मुख्यमंत्री समस्त को संबोधन करेंगे से समय कहे कि लोक मैंने सचेतन रे समस्ते कि बात्या आश्रयस्थल चली आसवे कौन लोक कचा घर रही जी ना से दिग्वे गुरुत्व देते समस्त नवेदन करेंगे समस्त घर छाड़ यही समय बात्या आश्रयस्थल को आसतु सरकार जो व्यवस्था रही से रुहतु जदि कौन लोक कचा घर रही तो किसी क्षयति हे विपद रही जीवन प्रति से समस्त नवेदन करेंगे जे समस्ते बात्या आश्रय चली आसतु और आज जो गृहमंत्री बैठक नेउथिले अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण दिग पर आलोचना होदियों सविशेष तथ्य एपर्तंत सामना को आसीना कितु आम कह विशेषकर किभली बात्यार मुकबिला कौन कौन साहय सहयोग केन्द्र जोगाई देती आग कौन कौन साहय सहयोग दरकार अच्छी से सबू दिग उपर आलोचना होता सहित आप देखिए आज अपराह में गोटे गुरुत्वपूर्ण बैठक अच्छी मुख्य शासन सचिव बैठक नाक जाऊँगी जो जो अधिकारी दायित्व दिया जिला दायित्व दिखाई से बैठक होने जिला स्तर पहुँची कौन सबू देखिले
ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି, ତାର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଦେବେ, ତ ସେ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ, ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ, ତା ସହିତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବି ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତୟାରୀ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ରହିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ NDRF ଠାରୁ ନେଇ ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଗଲାଣି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ୟସ୍ ତାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା କି ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରିବ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏତ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସବିଶେଷ ସୂଚନା ରହିଛି କି ୟସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବାଲେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକ କୁହନ୍ତୁ, ଜଗତସିଂହପୁର କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ବେଶ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବି ଅଧିକ ରହିପାରେ ଏବଂ ପବନର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇନି କି ଏହା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ଆଇ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବ, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି କି ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ପବନର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ସମୟ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।